सो हेलो मित्रों, कैसा कट रहा है सबका? हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ यार अच्छा ही कट रहा होगा। खैर, कटम कटाई की बात तो अपन रोज ही इधर करते हैं, पर आज अपन बात करेंगे टॉप 8 टॉरेंट डाउनलोडर्स के बारे में, क्योंकि यार काम धंधे की तो कोरोना ने बिल्कुल भसड़ मचा दी है। तो कम से कम कुछ स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया जाए, जिससे अपनी सिंगल आत्मा को थोड़ी तो शांति मिलेगी। तो यार इससे पहले तुम इस वीडियो को पूरा देखे बिना कट लो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन 8 टॉरेंट डाउनलोडर में से आज हम पता लगाएंगे सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट स्पीड देने वाले डाउनलोडर मैनेजर के बारे में। और बिल्कुल यार, इधर अपन जितनी भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो सारा ही माल होगा एकदम फ्री। तो चलो यार जल्दी से आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सो इन केस अगर तुम इस चैनल के दर्शन कर रहे हो पहली बार, तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम विक्की और तुम लोग देख रहे हो मैडविक्स। तो चलो यार आज का एक और बकचोदी से भरा हुआ ज्ञान वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो यार हमारा 8 नंबर का टॉरेंट डाउनलोडर है बिटकॉमेट। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूँ उससे पहले मैं तुम्हें इसका बोरिंग सा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए तुम मेरे को हमेशा बोलते रहते हो, बट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार दिक्कत ये है, कुछ लोगों के लिए ये यूजफुल है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है। तो थोड़ी सी अपनी सहन शक्ति बढ़ा के यार ये जो डाउनलोड इंस्टॉल का प्रोसीजर है वो देख लिया करो, तो सिंपल सा है, मैं इसमें ज्यादा टाइम में खर्च यहाँ पे नहीं करने वाला। और इसके अलावा इन सब के जो डाउनलोड लिंक है वो मिल जाएंगे यार तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से इनके लिंक्स को ले सकते हो और इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले इसकी यूआई के थोड़े से दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तुम मैथ की बुक की तरह दिखाई देता है, बट ऊपर जो भी बटन होते हैं वो सब लगे हुए हैं। मैग्नेट लिंक ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट टॉरेंट फाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक फाइल अपनी तरफ से ऐड करके भी दिखाता हूँ। तो ये किसी भी तरह का कॉपीराइट कंटेंट वाली फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने यूबंटू जो ओएस है उसी को डाउनलोड करके दिखाया है। तो रीज़न तुम समझ ही सकते हो, और किसी भी तरह का अगर मैं करता तो चैनल पे भसड़ हो सकती थी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है, बट ओवरऑल बस ओके ओके है ये। तो यार अब देखते हैं अपने 7 नंबर के टॉरेंट डाउनलोडर के बारे में। और यार इसको टॉरेंट डाउनलोडर कहना इसकी बेइज्जती है, क्योंकि यार ये प्रॉपर डाउनलोड मैनेजर है, जैसे तुम्हारा आईडीएम होता है वैसे ही है, और ये एकदम फ्री में काम करता है। अब इसके अंदर स्पेशल फीचर क्या है कि तुम इसमें टॉरेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, और इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, इसके बारे में भी बात की है और इसके जैसे और भी डाउनलोड मैनेजर के बारे में बात की है। तो उसका लिंक तुम्हें आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो तुम चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे मैं इतना ही बता देता हूँ कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, और काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है, और तुम यहाँ पे इसे देख सकते हो और डायरेक्टली इसमें मैग्नेट लिंक या जो भी तुम्हारे पास में टॉरेंट की फाइल है उसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा सा इसे करके भी दिखा देता हूँ। मैं सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ थोड़ी मेहनत हो मेरी जिंदगी में। और इस बात के लिए यार तुम इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर सकते हो लाइक, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए लाइक टारगेट रखा है 600 लाइक्स का। तो यार हमेशा पूरा करवा देते हो, इस बार भी इज्जत बचा के रखना। तो यार 6 नंबर के टॉरेंट डाउनलोडर से तुम्हारी पहले से ही बहुत अच्छी दोस्ती होगी, पर इसका यहाँ पे एक वेब वर्जन भी आता है, तो उसको तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बट मैं नॉर्मल जो वर्जन है उसी को यहाँ पे ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि कोई सेंस बनता नहीं है इसको यहाँ पे डालने का, लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने जो पूरा वीडियो है वो स्पीड में किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे रैंकिंग दी है, तो बिल्कुल ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे डाला। अदरवाइज मैं इन्हें एक्सक्लूड भी कर सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये यहाँ पे सच में डिजर्व करते हैं, तो बिल्कुल निकाल के तो नहीं फेंक सकते। बाकी इसको इंस्टॉल करने में थोड़े बहुत जो फालतू के सॉफ्टवेयर हैं वो आ जाते हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। एक जो मेरे को बुरी बात इनमें लगती है ये यालतू फालतू का ऐड, कई बार इनमें इस तरह की फोटो आ रही होती है, अगर घर वाले देख ले तो कंप्यूटर के साथ बाहर फेंकते, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, बस फ्री में ऐसा ही चीज़ें मिलती हैं अपने आपको। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल डाउनलोड करके दिखाई है, तो तुम इसे देख सकते हो, वही फाइल है, बार बार करूँगा मैं डाउनलोड, कम से कम 8 बार हो जाएगी। खैर बढ़ते हैं अगले डाउनलोडर की तरफ। तो यार जस्ट लाइक 6th वन 5th वन भी बिल्कुल तुम बड़े अच्छे से फैमिलियर होगे, जिनको थोड़ा बहुत उससे शिकायत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। तो बिट टॉरेंट भी उसी तरह का है, और इनका सेम सा ही चलता है, इन्होंने भी अपना एक वेब वर्जन निकाल लिया। वेब वर्जन में यही है कि तुम जो टॉरेंट है उनको लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, कोई वीडियो वगैरह होगी तो इस तरह का। इसका भी जो बेसिक वर्जन है सेम टू सेम यूआई है, सब कुछ सेम है। तो ये दोनों एक ही पापा की दो औलादे हैं, बस दोनों का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन दोनों की जो हरकतें हैं वो भी यहाँ पे तुम देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों कोशिश करते हैं कि अपने साथ में जो फालतू की चीज़ें हैं वो जरूर आ जाएं, पर तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया था 1 MB का सॉफ्टवेयर 2 घंटे तक कैसे इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पर भी वही इन्होंने टीवी स्क्रीनें लगा रखी हैं, जो किसी दिन मेरी मम्मी की चप्पल मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़वा के ही मानेगी। आई डोंट नो यार, इनको हटाओ कम से कम, साइड वाइड में कोई ढंग के लिंक दे दिया करो। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत तरह की फिल्में आ रही होती हैं ब्लैक स्क्रीन पे। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ इस चीज़ से, ऐसे तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो यार 4th नंबर का जो अपना टॉरेंट डाउनलोडर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। इसकी यूआई पे मत जाना तुम, इनकी साइट पे मत जाना, इन्होंने ज़्यादा लिखने की मेहनत नहीं की है, बट जो सॉफ्टवेयर है यार वो काफ़ी सही सा लगता है मुझे। यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल है। नाम मैं इसका पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें, डेल्यूज, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन किस तरह की है इसकी,
बट जो भी है मेरे को ये मिला तो ये काफ़ी बढ़िया है यार, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं तुम्हें इसकी यूआई के दर्शन करा देता हूँ। मे भी तुम लोग इससे ज़्यादा फैमिलियर ना हो, मैंने भी रिसर्च करके निकाला और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया करता है यार। इससे पहले वाले जितने भी हैं ऑब्वियसली उनसे जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और जो इसकी यूआई भी है वो भी काफ़ी सिंपल सी है। और सबसे मस्त बात, इसमें वो गंदी फिल्मों वाली स्क्रीन नहीं आती है। तो ये ओपन सोर्स है तो एकदम फ्री है और बिना ऐड के बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन्हें इमीजिएटली काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ ली है। प्ले पॉज तुम कर सकते हो, डिलीट विलीट कर सकते हो। मैं ज़्यादा इसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें पता ही है वही बेसिक से ऑप्शंस होते हैं। तो यार अब आ गए हैं हम अपनी टॉप 3 की लिस्ट में। तो यहाँ पर है बिगली बिटी टॉप 3 नंबर पे और इसके भी जितने भी सारे वर्जन है तुम्हारे एंड्रॉयड वगैरह के सब कुछ अवेलेबल है। इसकी साइड में तुम्हें ऐसे ही गरीब सी लग रही होगी बट ये जितने ही फ्री ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं तो इनकी जो वेबसाइट है वो बड़ी यूजुअल सी होती है क्योंकि पैसे वैसे नहीं लगाते ना ये लोग। लेकिन जो काम है वो सही में यार ये वाला जो टॉरेंट डाउनलोडर है बहुत ही बढ़िया करता है। मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। जब ये ओपन होता है तुम्हारे में सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारी जो स्पीड कनेक्शन है उसको जांच वांच के थोड़ा सा अपना मस्त ऑप्शन सेट करता है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बिल्कुल मैथ्स की बुक की तरह नहीं दिख रहा। तो काफ़ी अच्छा यूआई भी है और काफ़ी सिंपल है। इसको भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है और ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। तो डेफिनेटली यार इसको तुम्हें एक ट्राई और देना चाहिए। और यहाँ पर भी वही सारे गरीब बटन तुम्हें मिल जाते हैं जो तुम्हारे को किसी भी टॉरेंट डाउनलोडर में मिलता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ये बटनों के बारे में बार बार बात करें क्योंकि तुम्हें पता है वही 3-4 बटन की ज़रूरत होती है। तो यार हमने अभी तक जितने भी टॉरेंट डाउनलोडर देखे थे इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे सेम से थे। उनके फीचर जो थे बिल्कुल सेम थे, कुछ वहाँ पे नया नहीं था। पर अब हम एक थोड़े डिफरेंट टॉरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है तुम्हारे सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चाहे तुम एंड्रॉयड पे करो चाहे विंडो पे करो तो तुम इसे कहीं पर भी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। थोड़ी इसकी जो फाइल साइज है वो बड़ी है लेकिन आराम से ये हो जाएगा। अब थोड़े इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं क्या ये डिफरेंट है। तो टॉरेंट तुम डाउनलोड करना चाहते हो वो तो तुम यहाँ पे कर ही सकते हो। इसके अलावा जो सबसे खास बात ये है कि अगर तुम्हारे पास में कोई टॉरेंट फाइल है तो तुम उसको डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो। तो अगर वो वीडियो फाइल होनी चाहिए तभी तुम उसको स्ट्रीम कर पाओगे, ऑडियो फाइल होगी तभी स्ट्रीम कर पाओगे। ऑब्वियसली तुम लाइव गेम तो चला नहीं पाओगे, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी तो बात अलग है। अदरवाइज अगर किसी भी तरह की फाइल होगी तो तुम आराम से उसको यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है अगर तुम्हें लाइव कुछ स्ट्रीम करना है। तो यार तुम्हें स्ट्रीमिंग का डेमो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे खुद की एक फाइल को टॉरेंट पे डाला हुआ है और उसको मैं प्ले करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो तुम यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरह की स्ट्रीमिंग यहाँ पे होती है। तो ये एक 4K फाइल है जिसको मैं अपनी खुद की टॉरेंट बना दिया है और उसको मैं यहाँ पे स्ट्रीम करके दिखा रहा हूँ। तो रीज़न तो तुम्हें पता ही है, मैं कुछ और तो यूज़ कर नहीं सकता, बड़ा भोला आदमी हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो वीडियो है तुम्हारी प्ले हो रही है और ये लाइव चल रहा है। तो ये मैं शिमला गया था एक टाइम पे, तो बर्फ़ थी खूब वहाँ पे, आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तो इस तरह का हाल था। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो तभी का ये वीडियो जो मैंने अपने कैमरे से शूट किया था और काफ़ी बढ़िया से यार ये काम करता है, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो ये कुछ यूनिक है तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। तो यार अब वक्त आ गया अपने सबसे बेस्ट टॉरेंट डाउनलोडर के बारे में बात करने का। अब यार ये बेस्ट इसलिए नहीं है कि ये बहुत अच्छा दिखता है या बहुत कुछ इसके अंदर है। एक टॉरेंट डाउनलोडर का बेसिक काम होता है कि वो स्पीड से डाउनलोड करे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो इसकी स्पीड है, मैंने जो अपने स्पीड टेस्ट किए उन सब के अंदर इसकी जो स्पीड थी वो सबसे ज़्यादा थी। मैंने सेम टॉरेंट फाइल को सेम नेट कनेक्शन पे टेस्ट किया और जो इसमें स्पीड आ रही थी वो एक नंबर आ रही थी। तो अगर तुम सिर्फ स्पीड के लिए ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली एक स्पीड के लिए ढूंढोगे तो ये सबसे बेस्ट है। इसको यूज़ करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। UI भी ठीक ठाक ही है, कुछ ऐसा कोई खास इशू नहीं है। ये भी ओपन सोर्स है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसी तरह की ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी, किसी तरह की कोई नोटंकी नहीं होगी, सब कुछ इसके अंदर कर सकते हो। मैग्नेट लिंक कर सकते हो या तुम्हारे पे कोई टॉरेंट फाइल है तो वो सारी चीज़ें तो सब में ही होती है, तो इसके अंदर भी है। तो ओवरऑल अगर तुम एक स्पीड के हिसाब से ढूंढ रहे हो, जो कि तुम ढूंढ रहे हो मुझे पता है ये बात, मैं तुम्हें जानता हूं, तो बिल्कुल तुम इसको प्रेफर कर सकते हो। जो भी तुम्हारी फाइलें हैं वो तुम कभी भी डाउनलोड कर सकते हो और जब तुम चाहो उनको पॉज करके रिज्यूम भी कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो भाई अब टाइम आ गया अपने वीडियो को बिल्कुल एंड करने का और जाते आते अपन देख लेते हैं बक्शो शूट आउट के रिजल्ट। और ये रहे यार तुम्हारी स्क्रीन पे बक्शो शूट आउट के रिजल्ट। अगर तुम्हें जानना है इसके बारे में और ज्यादा तो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरी कम्युनिटी पोस्ट को। तो चलो यार आज की बक्शोदी को यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हारे पास में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो तुम मुझे चिपका सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के बॉक्स में या फिर चिपका सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और यार अभी तक नहीं किया तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। मैं मिलता हूं तुमसे दूसरे किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।